गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व सरपंच पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर कलेक्टर से ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। सूरजपुर जिले के रामनगर के पूर्व सरपंच जवाहर सिंह पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने उनकी पत्नी छाया देवी पर भी ग्राम के विकास कार्यों के लिए आई शासकीय राशि को गबन करने के आरोप में कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत रामनगर के ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच पद पर रहते हुए 15 वर्षों में पंचायत को आवंटित विभिन्न योजनाओं की शासकीय राशि का दुरुपयोग पूर्व सरपंच और उसकी पत्नी ने किया है। शासकीय राशि गबन के संबंध में जनपद पंचायत सूरजपुर सीओ ने पुलिस थाना विश्रामपुर में जवाहर सिंह के खिलाफ धारा 409, 420, 476 और 471 के तहत जुर्म दर्ज करवाया है। इसमें वह जेल भी गया था। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 15 सालों से जिन भी विकास कार्यों के लिए पंचायत में राशि आती थी, बिना निर्माण कराए ही पूर्व सरपंच जवाहर राशि को निकाल लेते थे, वही उनके कार्यकाल में एक भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जनपद पंचायत में अच्छी पकड़ होने के कारण पूर्व सरपंच को सह मिला था। रामनगर वासियों ने कलेक्टर से पूर्व सरपंच पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को यह भी बताया कि ग्राम पंचायत रामनगर में आदिवासी उप योजना में आंगनबाड़ी भवन निर्माण सड़क पारा के लिए 4.50 लाख रुपए मंजूर किया था। इसमें 1.80 लाख रुपए की राशि निकाल ली गई, लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह मनरेगा आदिवासी उप योजना में आंगनबाड़ी भवन निर्माण दर्री पारा के लिए 6.45 लाख रुपए मंजूर किया था, जिनमें से 1,04,000 रुपए की राशि भी निकाल ली गई है, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का एक भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है।